तो आज आप लोग को इस वीडियो में बता देते हैं सारा चीज कि कितना अभी देते हैं इस रूम का रूम रेंट और पिछले का भी कितना देते थे, सारा चीज आप लोग को बता देते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सब को हमारा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल सनम प्रिया ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग उठ चुके हैं और आज दोस्तों रंगीला का स्कूल है तो जल्दी जल्दी हम नाश्ता बना दे रहे हैं। रंगीला गया है ब्रश करने के लिए और हम इधर नाश्ता बना दे रहे हैं और आज रंगीला का फरमाइश से दोस्तों पास्ता बना दे रहे हैं। कढ़ाई पूरा गर्म हो चुका है तो इसमें डाल देते हैं तेल। और इधर देखिए दोस्तों रंगीला आ गया ब्रश करके और देखिए चला रहा है पास्ता को। अच्छा नहीं सिझाएगा? नहीं सिझा है। अच्छा नमक दे दिए हैं इसीलिए। पास्ता इसको नहीं खाने बोलते हैं, पास्ता मैगी यही सब में इसका जान अटका हुआ रहता है। ये सब ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है? ये सब नहीं खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना है, कभी कभी बना देंगे, ठीक है? हाँ तो अभी प्याज हम डाल दिए हैं दोस्तों, इसको अच्छा से फ्राई कर लेते हैं। और देखिए इधर पास्ता को पानी में अच्छा तरह से धो लिए हैं, एकदम पूरा फ्रेश हो गया है। और रंगीला भी पास्ता मांग रहा है, ऐसे ही खा रहा है, ये बॉईल किया हुआ। बढ़िया लगेगा। हाँ खाओ। देखिए प्याज पूरा फ्राई हो चुका है दोस्तों, अब इसमें डाल देते हैं टमाटर। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो पूरा टमाटर को चटनी जैसा बना दिए हैं दोस्तों और इसमें सारा मसाला डाल दिए हैं, पास्ता मसाला ये सब। अब इसमें डालते हैं पास्ता। देखिए क्या है, एकदम मस्त बन रहा है नाश्ता में पास्ता रंगीला का। तो पास्ता बन के पूरा रेडी हो चुका है दोस्तों, देखिए क्या है, एकदम मस्त लग रहा है। वाह, पूरा एकदम मस्त फ्राई हुआ है, देखिए थोड़ा भी लटका नहीं है नीचे। अब इसको उतार देते हैं, दे रहे हैं, लाओ प्लेट, लाओ लाओ कटोरी, लाओ ना कटोरी, लाओ लाओ। अब देते हैं रंगीला को गर्मा गर्म पास्ता। रुके, रुके, रुके। कुछ नहीं होगा, सेट कर देना, ठीक है? अरे यार ये क्या पास्ता? और दें? नहीं। हो जाएगा? टिफिन में देना ज्यादा। अच्छा टिफिन में ज्यादा देंगे? हाँ। ठीक है खाओ, लो खाओ, चम्मच ले लो। चम्मच चम्मच भाई। हाँ जाइए जाइए, खाइए। तो अभी रंगीला जा रहा है दोस्तों पास्ता का नाश्ता करने, देखिए एकदम आराम से बैठ लिया है बेड में और खा रहा है। नीचे बैठना था ना बाबू? हाँ खाओ खाओ। रंगीला इधर नाश्ता कर रहा है दोस्तों, तब तक हम चलते हैं इसका टिफिन पैक कर देते हैं और बर्तन में पानी भर देते हैं फटाफट। चलते हैं डाल देते हैं टिफिन में पास्ता को। तो देखिए इतना सा पास्ता पैक कर दिए हैं, ये हो गया टिफिन रेडी। और इधर देखिए दे दिए हैं गर्म होने के लिए पानी, गर्म पानी भर देंगे, पानी भी गर्म हो चुका है। और देखिए हम बोतल धो लिए हैं अच्छा से। तो इसका टिफिन रेडी हो चुका है दोस्तों, अब चलते हैं डाल देते हैं बैग में। कल हम ना बैग धो दिए हैं रंगीला का और ड्रेस भी धो दिए हैं तो बाहर ही गेट में पसार दिए हैं, तो लेके आते हैं पहले। तेरा खा लो गया, चलो
देखिए यहीं पर पसार दिए हैं गेट में, सूख गया है, छत नहीं जाने सके ना तो यहीं पर पसार दिए। लो पकड़ो बाबू, पकड़ो ना, पकड़ो ना थोड़ा सा, बैग उतारते हैं, फंस गया, बात कर रहे हैं, हो गया, सब सूख गया, चलो, 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 इधर इधर इधर, घर चलो, घर चलो, पहले पहन लेगा तब ना, चलो चलो, रूम जल्दी से पहना देंगे। तो ड्रेस लेके आ गए दोस्तों, अब चलते हैं, इसको जल्दी से पहनाते हैं ड्रेस, चलो जल्दी उतारो उतारो जल्दी। तो रंगीला पूरा रेडी हो चुका है दोस्तों, देखिए ये पूरा स्कूल ड्रेस पहन लिया, जूता मोजा सब लगा लिया और बैग भी इसका रेडी कर दिए हैं, सारा चीज इसमें डाल दिए हैं, तो अब रेडी हो चुका है, अब निकलेगा स्कूल के लिए, क्या बाबू? चलो चलो जल्दी चलो, चलते हैं इसको जल्दी से स्कूल छोड़ के आते हैं। तो ताला लॉक हो चुका है, चलो बाबू निकलो। अभी हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है दोस्तों, पूरा एकदम झिमिर झिमिर, एकदम पूरा हल्का हल्का दे रहा है बारिश। दो बैग दो, मेरा जूता खुल गया। खुल गया, उठाओ पहनो पहनो। नहीं आया, पहन लिया, चलो जल्दी से चलो, चलो जल्दी, नहीं तो भींग जाएगा पानी में। हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो। देखिए अभी रंगीला का स्कूल का बहुत सारे स्टूडेंट सब जा रहे हैं, मम्मी पापा छोड़ने के लिए जा रहे हैं, जैसे हम जाते हैं रंगीला को छोड़ने। चलो बाबू जल्दी, बहुत सारे स्टूडेंट सब हैं, देखो पहुँच गया स्कूल, जल्दी चलो 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 चलो, लो बैग लो, जा बाय बाय, आ जा। तो हम रंगीला को छोड़ के स्कूल आ गए दोस्तों, चलते हैं रूम। तो अभी हम रूम पहुंच गए दोस्तों, और अब चलते हैं, घर का काम जल्दी से फिनिश करते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, पहले झाड़ू कर लेते हैं उसके बाद फिर ब्रश करेंगे। तो बेड वगैरह सब हम झाड़ लिए हैं दोस्तों, अब खाली झाड़ू लगाना है, पोछेंगे नहीं क्योंकि कल पोछे हैं, तो जल्दी जल्दी ना, डेली डेली नहीं पोछते हैं, पूरा सूख नहीं पाता है ना, तो पूरा स्लिप करने का डर लगता है, क्योंकि टाइल्स है ना तो जल्दी सूख नहीं पाता है। तो हम पूरा रूम झाड़ू कर लिए दोस्तों और बरस भी कर लिए हैं, अब चलते हैं नाश्ता करते हैं, चना फुलाए थे रात में ही, तो चना का हम नाश्ता कर लेंगे, चना और मूंग दाल है हरा वाला, देखिए यही थाली में है, देखिए पूरा एक थाली हो गया है फूल के, तो पानी वगैरह सब सुबह ही निकाल दिए हैं धो के, अब चलते हैं इसको अच्छा से फ्रेश से बनाते हैं। और देखिए इसमें मूंग भी फुलाए हैं, तो एकदम पूरा अच्छा से फूल गया है, इसको धो लेते हैं, इसको नहीं धोए हैं। मूंग को हम अच्छा तरह से धो लिए हैं दोस्तों, और देखिए इधर मिर्चा और टमाटर भी काट लिए हैं, क्योंकि प्याज खत्म हो गया है, सुबह तक पास्ता बना दिए तो खत्म हो गया, तो अब डाल देते हैं चना को, हो जाएगा, नमक वगैरह सब डाल दिए हैं दोस्तों, अब इसको अच्छा से मिक्स करते हैं। तो नाश्ता बन के रेडी हो चुका है दोस्तों, चना और मूंग दाल, अब चलते हैं खाते हैं, यहीं पर बैठ के आराम से चखते हैं। चना का नाश्ता कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर पास्ता बना है तो वो भी खाएंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो हम नाश्ता पानी कर लिए दोस्तों, और अभी जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। देखिए अभी दे दिए हैं चावल सीझने के लिए, भात सीझेगा उसके बाद फिर ये गोभी है पत्ता गोभी, इसी का सब्जी बना देंगे। चलते हैं, चावल तो डाल दिए हैं, गोभी को काट लेते हैं अच्छा तरह से और इसका सब्जी बनाएंगे। तो अभी मेरा खाना पीना बन के रेडी हो चुका है दोस्तों, देखिए इसमें भात बना है और इसमें है गोभी का भुजिया और इसमें दाल बनाए हुए हैं। और हम भी बाल वगैरह सब झाड़ लिए हैं दोस्तों, क्योंकि रंगीला को लाने का टाइम हो चुका है, और इधर खाना बनते था दोस्तों और हम कपड़ा भी धोते जा रहे थे, तो टाइम हो चुका है अभी। देखिए पूरा एक बाल्टी कपड़ा धोए हैं, तो ये सबको आके छत में पसारेंगे, उसको लाने का टाइम हो चुका है, तो पहले लेके आते हैं फिर कपड़ा पसारने जाएंगे छत। तो चलते हैं फिर आके ही खाना पीना खाएंगे। ताला लॉक हो गया है, अब हम निकलते हैं जल्दी से,
तो अभी रंगीला को स्कूल से निकाल लिए दोस्तों, और देखिए अभी चल रहा है, पीछे भी बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स सब अभी आया है रंगीला फुचका खाने। पूरा धूप से परेशान हो गया ना बाबू। अब तो देखिए उधर अभी फुचका बन रहा है। अभी हम लोग को फुचका मिल गया है और देखिए रंगीला खाना भी स्टार्ट कर दिया है, पूरा इसका फिनिश होने चला। अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं खाना। खाओ खाओ खाओ, देखिए कैसे खा रहा है। तो हम लोग फुचका खा लिए दोस्तों और चल दिए हैं रूम। अब चलते हैं सीधे रूम की ओर। पूरा एकदम फुचका खाने में ना इतना ज़्यादा जान देता है ना रंगीला, इसको देखते हैं तो हमको भी मन लग जाता है तो हम भी खा लेते हैं। कहे तुम कहे खाता है, चलो जल्दी चलो रूम। तो अभी हम लोग रूम पहुंच गए हैं दोस्तों, और इधर देखिए रंगीला आते ही एकदम पूरा ड्रेस चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। अभी टाई खोल रहा है, जूता मोजा खोल लिया है क्या, खोलने जान जाता है। चलो गुड बॉय, शर्ट खोलो। और अभी चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले छत कपड़ा पसारना है, उसके बाद ही फिर खाना खाएंगे, सूखेगा। इधर खाना खाते रहेंगे तब तक उधर सूख जाएगा। तो चलते हैं पहले पसार के आते हैं, यहीं पर रहना बाबू ठीक है। पसार के आ रहे हैं छत से कपड़ा। वहां पर काम चल रहा है तो वहां पर तो डिस्टर्ब होगा, मोबाइल यहीं पर रखते हैं और पसार के आते हैं फट से। तो हम छत से कपड़ा पसार के आ गए दोस्तों, और अभी जा रहे हैं दाल छौका लगाने। दाल बन गया था लेकिन छौका नहीं लगाए थे, तो अभी लगाने के लिए जा रहे हैं। देखिए मिर्चा डाल के हो गया है, इसको डाल देते हैं। देखिए रंगीला ढक्कन हटा के है, हाँ हो गया। दाल बन के पूरा रेडी हो चुका है, अब चलते हैं इसमें खाना लगाते हैं। एकदम पूरा फ्रेश चावल बन के रेडी है। तो खाना लग चुका है दोस्तों, दाल भात और गोभी का भुंजिया। रंगीला नहीं खाने के लिए खोज रहा है इसीलिए नहीं बांट दिए हैं, हम अपना बांटे हैं। तो यहीं पर बैठ के खाते हैं आराम से, रंगीला नहीं खाएगा, गुपचुप में ही उसका पेट भर गया है। आओ खाएंगे साथ में, आप साथ में हम खिला देंगे ठीक है। मत खा, हम खाते हैं। तो अभी हम लोग खाना पीना खा लिए हैं दोस्तों, और अभी हो चुका है शाम। हम लोग सब बाल वगैरह झाड़ के, और रंगीला बोल रहा था कि पढ़ाओ फुआ पढ़ाओ, तो अभी पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। रंगीला अभी पढ़ाई करेगा क्या बाबू। और आप लोग का हम वीडियो में काफी सारा कमेंट देख रहे थे दोस्तों, बहुत सारा कमेंट आया हुआ है कि यहाँ का रूम रेंट कितना है, रांची में कितना में मिल जाता है रूम, और पिछले वाला जो रूम था पहले हम जहाँ रहते थे उसका कितना रूम रेंट था। तो बहुत सारा ऐसा कमेंट आया हुआ है, और पहले भी आता था तो हम कभी रिप्लाई नहीं दिए हैं। तो आज आप लोग को इस वीडियो में बता देते हैं सारा चीज़ कि कितना अभी देते हैं इस रूम का रूम रेंट, और पिछले का भी कितना देते थे सारा चीज़ आप लोग को बता देते हैं। पहले आप लोग को पिछले वाला ही बताते हैं दोस्तों, वहाँ हम देते थे 3300 रुपया, 3300 बिजली बिल मिला के, 3000 रूम रेंट था और 300 रुपया था बिजली बिल। और यहाँ का रूम रेंट है दोस्तों 3500 रुपया और बिजली बिल एक्स्ट्रा, जितना मीटर में उठेगा, आप जितना यूज कीजिएगा उतना ही दीजिए, नहीं यूज कीजिएगा तो मत दीजिए, ऐसा है यहाँ का कानून। और वहाँ था कि 300 यूज कीजिए चाहे नहीं कीजिए, 300 देना ही देना है। तो यही दोनों में डिफरेंट है, और काफ़ी सारा यहाँ और वहाँ से डिफरेंट है। वहाँ बाहर बाथरूम था और यहाँ अटैच बाथरूम है, वैसा कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। वहाँ भी मेरा मिला के ना 3500 रुपया हो ही जाता था, और यहाँ जितना मीटर में हो जाएगा उतना ही देंगे, एक्स्ट्रा काहे देंगे, यूज करें चाहे ना करें। तो यहाँ जितना मेरा मीटर में उठेगा बिजली बिल उतना ही देंगे, और रूम रेंट तो 3500 रुपया लगा हुआ है, वो देना कंपलसरी है। तो आज आप लोग को सारा चीज़ बता दिए दोस्तों। और यहाँ लगभग रांची में ना 3500, 4000 अगर फैमिली रूम लेना चाहें तो, 5000, 6000
ऐसे जैसा लीजिएगा आप लोग वैसा तक में मिल जाएगा। और अगर अल्वेस्टर का रहा तो 2000-2500 ऐसा तक में मिल जाता है, 1500 जैसा रूम रहेगा उसके अकॉर्डिंग शायद होगा रेंट। अब हमको तो उतना पता नहीं है, जहाँ हम रहते हैं बस उसी का पता है। तो अब चलते हैं रंगीला को पढ़ाते हैं। क्या बाबू टठ सीख रहा है, ये भी लिख लिया है पूरा, वेरी गुड। चलो अब फिर से देते हैं, चलो 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 देखो फिर से यही वाला फिर से। हाँ तो बोलो ट ठ ड ढ मूर्धन्ना। चलो अब यहाँ लिखो, लाइनिंग दे दे रहे हैं हम। देखिए अभी रंगीला लिख रहा है। हाँ ट बोलो, ट ठ बोलो, ड लिखो। गुड। देखिए रंगीला लिख लिया है ट ठ ड ढ न, ना बाबू। चलो लिखो लिखो जल्दी लिखो। तो अब चलते हैं दोस्तों, रंगीला को पढ़ाई करवाते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग को हम यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय 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 बाय।